खार्किव पर नॉर्थ कोरियाई मिसाइल से हमला हुआ। अमेरिका का नॉर्थ कोरिया पर बड़ा आरोप, खार्किव पर प्योंगयांग के मिसाइल से हमला किया गया। 30 दिसंबर और 2 जनवरी को भी हुआ इसी का इस्तेमाल। यूक्रेन में पहले से नॉर्थ कोरियाई मिसाइल से हमला किया गया है। पहले सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इस बात पर पक्की मोहर भी लग गई है कि यूक्रेन युद्ध में किम की एंट्री हो गई है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा बारूदी वज्रपात हुआ तो उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि यूक्रेन में रूस ने किम की मिसाइल से प्रहार किया। इस जानकारी के सामने आने के बाद अमेरिका भी दहशत में है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन जंग में अमेरिका के सामने सिर्फ रूस था, लेकिन युद्ध में किम की एंट्री से बाइडेन के लिए डबल टेंशन हो गई है। सवाल यह है कि पुतिन ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार क्यों खरीद रहे हैं। यूक्रेन की तबाही में तानाशाह किम के मिसाइलें भी भारी कहर बरपा रही हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइलों से यूक्रेन ध्वस्त होता जा रहा है। बड़ा खुलासा हुआ है कि यूक्रेन जंग में रूस किम के विध्वंसक मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है। किम रूस को लगातार घातक मिसाइलें और खतरनाक हथियार भेज रहा है, जिससे अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन में कई उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। व्हाइट हाउस के मुताबिक 30 दिसंबर और 2 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल के सबूत भी मिले। व्हाइट हाउस के दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें और मिसाइल लॉन्चर दिए हैं। उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमलों में किया गया। खार्किव पर प्योंगयांग की मिसाइल से हमला किया गया था। रूसी हमले में KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दरअसल पहले रूस ने 30 दिसंबर को यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमले किए थे। रूस ने यूक्रेन पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन की वायुसेना ने रूसी हमले को लेकर दावा किया था कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इसके बाद 2 जनवरी को भी रूस ने यूक्रेन में कई उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी थी, जिसमें रूसी एयरफोर्स ने रात भर हवाई हमले किए थे। अमेरिका ने पहले भी यह दावा किया था कि यूक्रेन में रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका यूक्रेन पर रूस से समझौते के लिए दबाव बना रहा है। वॉशिंगटन स्थित गैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि वॉशिंगटन अब कीव को पुतिन से बातचीत के लिए राजी कर रहा है, ताकि यूक्रेन का संपूर्ण विनाश रुक जाए और उत्तर कोरिया इस जंग से दूर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान से भी हथियार हासिल करना चाहता है।
रूस ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदना चाहता है। इस डील को लेकर ईरानी अधिकारियों और रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के बीच बैठक भी हुई। अबाबील क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत हुई है। ईरान की क्लोज रेंज अबाबील मिसाइल की मारक क्षमता 86 किलोमीटर तक है। पुतिन के ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें मंगाने की योजना ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन काफी बढ़ा दी है। ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर रूस पूरे यूक्रेन में मिसाइल अटैक करना चाहता है। रूस यूक्रेन पर पहले से ही ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है कि अब रूस ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों मंगा रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी अलग थलग हो चुके हैं। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल के लिए रूस से हथियार चाहता है। वहीं उत्तर कोरिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले रूस से बख्तरबंद वाहन, बैलिस्टिक मिसाइल के उत्पादन के उपकरण और अन्य तकनीकी सप्लाई चाहता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक तमाम प्रतिबंधों और निर्यात पर रोक के चलते रूस विश्व मंच पर अलग थलग हो गया है। ऐसे में पुतिन को सैन्य उपकरणों के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ डील करना पड़ रहा है। उन देशों में उत्तर कोरिया सबसे अहम है, जहां से रूस को हथियारों की आपूर्ति हो रही है। यूक्रेन में किम की मिसाइलें इस्तेमाल होने के बाद अब अमेरिका ने मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात कही है, क्योंकि किम के इन मिसाइलों की रेंज करीब 900 किलोमीटर तक है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हथियारों के लिए रूस ईरान पर भी काफी हद तक निर्भर है। रूस ईरान की शाहिद जैसे ड्रोन से यूक्रेन में कहर ढाता रहा है। जाहिर है ईरानी हथियारों और उत्तर कोरिया के मिसाइलों के यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होने से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।